मुख से मुख लगा और वो अपना उगार प्रसाद देती है। और वो उगार प्रसाद पाते ही सहचरी के रोम रोम में कोई ऐसा अद्भुत प्रेम संचरित हो जाता है, कोई ऐसा अद्भुत भाव संक्रमित हो जाता है कि जाहीं लहे कछु लैन की चाह नाहिए में होए, कि सहचरी के हृदय का उल्लास इतना अधिक प्रवृद्धमान हो जाता है कि सहचरी गाती है, हो बली जाम नागरी श्याम, हो बली जाम नागरी श्याम, ऐसे ही रंग करो निसिवास, ऐसे ही रंग करो निसिवास, वृंदावन कुटी अभिराम, वृंदावन कुटी अभिराम, ओ बली जाम नागरी श्याम, ओ बली जाम नागरी श्याम, हास विलास सुरत रस सीचन, हास विलास सुरत रस सीचन, पशुपति गद जीवावत काम, पशुपति गद जीवावत काम, हास विलास सुरत रस सीचन, पशुपति गद जीवावत काम, पशुपति गद जीवावत काम, हित हरि वंश लोल लोचन, हित हरि वंश लोल लोचन, करमुन सफल सकल सुख कुटी अभिराम, वृंदावन कुटी अभिराम, ओ बली जाम नागरी श्याम, ओ बली जाम नागरी श्याम, नागरी श्याम, नागरी किंचित जो वृंदावन धाम की कृपा से अनुभव मिला, किंचित जो यहाँ के रस रसिकों की कृपा से अनुभव प्राप्त हुआ, तो कृष्ण प्रेम, कृष्ण अनुराग, ये भाव तो सद जाता है। वृंदावन से बाहर भी, इस निकुंज की सीमा से बाहर भी कृष्ण का दर्शन, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति भक्तों को हुई है और होती रहेगी। लेकिन श्री राधा के चरणों का जो एकांतिक प्रेम है, प्रिया जी के चरणों की जो एकांतिक निष्ठा है, ये जो राधा चरण प्रधान उपासना का जो भाव है, इसके लिए लाडली दास जी लिखते हैं कि तन हरिवंश को विपिन है और मन हरिवंश को लाल, सकल सु इंद्री सखी गण और प्राण आत्मा बाल। जहाँ प्रिया जी आत्म स्वरूपिणी, रस स्वरूपिणी, प्रेम स्वरूपिणी होकर लाल सहचरी वृंद और वृंदावन की एकांतिक निष्ठा का आस्वादन स्वयं करती हैं और उनको अपने दिव्य कृपा रस वैभव का आस्वादन कराती हैं, ये जो परस्पर का जो विहार है, ये इस वृंदावन की कृपा के बिना नहीं उपलब्ध होता। ब्रह्मेश्वर आदि सुदरूह पदारविंद, इस वृंदावन की रज की कैसे स्तुति श्री महाप्रभु कर रहे हैं। ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह
पदारविंद श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाय सर्वार्थ सार रसवर्ष कृपार्द्रदृष्टे तस्यानमोस्तु वृषभानुभुवो महिमने। वो जो ब्रह्मेश्वर आदियों के लिए दुर्गम गति हैं, उनके श्री चरणों की रज नहीं, कैसा सुंदर संबोधन महाप्रभु दे रहे हैं। श्रीमत् पराग, ये रज नहीं है, ये प्रिया जी के चरण कमलों का पराग है। और जिस प्रकार फूल की पंखुड़ी पर बैठकर भंवरा रसपान नहीं करता, भ्रमर रसपान करता है कर्णिका पर बैठकर, जहां पुष्प का मकरंद संचित होता है। राधा वल्लभ मूल है सभी फूल दलड़ा, अतल वितल सुतल महातल पाताल और भूभूर महरलोक और ब्रह्मलोक तक जितना वैभव है वो सब हित का वैभव है, हित का जस है, लेकिन सब पंखुड़ियां हैं। और उन सब पंखुड़ियों की कर्णिका ये वृंदावन धाम है, जहां यत्र तत्र प्रिया जी के श्री चरणों का, प्रिया जी के श्री चरणारविंद का, प्रिया जी के पाद पादाम्बुजों का मकरंद बिखरा है। और वही मकरंद रूपी रज रसिकों की जीवन मूर है। रसिक कहते तात तजों सुत भ्रात तजों पितु मात तजों कछु सोच न हानि श्री ब्रिज की रज नाही तज और हो न तजों करुआ को पानी। ब्रिज के संत जो है ब्रिज की रज से बना करुआ रखते, क्योंकि सबसे पहले जो दोष प्रवेश करता है ना वो जल से करता है। स्थान स्थान पर भूमि के साथ साथ जल भी बदल जाता है, कभी किसी की बुद्धि भी कर जाए तो कहते हैं उसको फलाने स्थान का पानी लग गया है, जल से दुर्गुण आता है, दोष आता है। तो वृंदावन के जो संत हैं वो करुआ का ही पानी पीते हैं। एक तो वृंदावन की रज का स्पर्श हो जाता है, और दूसरा वो रज साधारण रज नहीं है, पिए प्यारी की मन भावन वृंदावन की रज है। तभी भगवत रसिक देव कहते हैं परम पावन करुआ को पानी जाके पिए हिये में आवे मोहन राधा रानी। श्री ब्रिज की रजना ही तजय मुहे हो न तजो करुआ को पानी। जहां की रज समर्थ है केवल पाप का नाश करने के लिए नहीं, पाप का नाश तो वृंदावन से बाहर कहीं भी हरि नाम लो, नाम अरत हरे अगपुंज जगत करे हरि नाम बढ़ाए। गोस्वामी जी महाराज ने एक बड़ी सुंदर चौपाई कही है, मम दर्शन फल परम अनूपा जीव पाव निज सहज स्वरूप। जीव का सहज स्वरूप है क्या? जीव का सहज स्वरूप है निष्काम हो जाना, और कृष्ण निष्काम नहीं कर सकते। कृष्ण तो भक्त वांछा कल्प तरु है, कृष्ण वांछा की पूर्ति कर सकते हैं, वांछा का नाश नहीं कर सकते। क्या होता है देखो, एक बार नामदेव जी महाराज के पास एक वृद्धा आई, बोली महाराज मेरा ये लाला मीठा बहुत खाता है, आप इसे आशीर्वाद दो ये मीठा खाना बंद कर दे। श्री नामदेव जी ने कहा अच्छा माई तो 15 दिन बाद आना। 15 दिन बाद आई वो वृद्धा, महाराज ने आशीर्वाद दे दिया। बोली महाराज ये 1 मिनट पहले ही दे देते, मैं इतने कोस चल के गई फिर चल के आई। श्री नामदेव जी ने कहा माई जब तूने मुझसे आशीर्वाद देने को कहा तब तक तो मैं ही मीठा बहुत खाता था, तो इसको क्या आशीर्वाद देता। जब तक आचरण में सिद्धांत न हो तब तक उस वाणी में उस भाव में बल नहीं होता, बल आचरण का है। केवल किसी कुल विशेष में देने से कोई आचार्य नहीं हो जाता, आचरण करो तिस आचार्य। तो श्री ठाकुर जी स्वयं ही अनंत कामनावान है। ठाकुर जी को कामना हुई मुझे अकेले अच्छा नहीं लगता, एकाकी न रमते, एक से अनेक हो गए। और जीव के मन में जो कामना है वो मूल में उसी की कामना तो है। वासुदेव सर्वम, सिद्धांत की दृष्टि से भी श्री कृष्ण कामना पूर्ति कर सकते हैं, कामना का नाश नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी उनकी स्वयं की कामना का ही नाश नहीं हुआ, तो जीव की क्या करेंगे, पूरी कर देते हैं, नाश नहीं करते। कामना का नाश तो प्रिया जी के चरण रेणु मस्तक पर धारण किए नहीं होता। जब तक गोपांगनाओं के मन में कामना रही
तब तक श्री कृष्ण के निकट होने पर शरद की रात्रि है, यमुना का पुलिन है, श्री कृष्ण ने निमंत्रण देकर बुलाया है, लेकिन रस में आवरण बना रहा है। ठाकुर जी कभी बतिया रहे हैं, कभी परीक्षा ले रहे हैं, कभी अंतर ध्यान हो रहे हैं। फिर जब आधाय मूर्धनियदा पुरुदार गोप्य काम्यम पदम प्रिय गुणैरपि पिच्छमौले भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरा। और जहां जिस सघन कुंज में ठाकुर जी प्रिया जी को छोड़कर अंतर ध्यान हुए, वहां क्या हुआ श्रीमद् भागवत नहीं बताती। रास मंडल महारानी की कृपा से मैं आपको निवेदन करता हूँ। पहली बात तो ठाकुर जी ने प्रिया जी को नहीं छोड़ा था, प्रिया जी ने ठाकुर जी को छोड़ा था कि ये सब गोपांगनाएं मेरे संग आई हैं, मैं अकेले तुम्हारे साथ किसी रस का पान नहीं करूंगी, आज तुमने सबको बुलाया है तो सबको रस देना पड़ेगा। तो ठाकुर जी ने कहा फिर आप कुछ ऐसी लीला करो जिससे ये गोपांगनाएं आपके और मेरे परस्पर उस दिव्य प्रेम रस की अधिकारिणी हो जाएं। गोपांगनाएं रोई, व्याकुल हुई, प्रेम के भाव का परिष्कार हुआ और सघन कुंज में जब श्री प्रिया जी को देखा, प्रिया जी ने कृपा की, मन में अभिलाषा जगी, प्रिया जी की चरण रेणु मस्तक पर धारण की और मस्तक पर धारण करके श्री ठाकुर जी को पुकारा, ठाकुर जी प्रकट हुए और महारास रस का दान किया। इसीलिए इस रास रस की अधिष्ठात्री स्वामिनी है, इसीलिए ये रासेश्वरी है, रसेश्वरी है। ये इनकी सहज भुराई है, ये इनका सहज भोलापन है, इस पर सहचरियां न्योछावर रहती हैं। जिनके हृदय के प्रेम की स्वयं श्याम सुंदर थाह पाने में असमर्थ है, भगवत आप्या मृग्यसद वही भवे। कुंवरी प्रेम सागर अमल लहरिन लेत समा उमड़े जो मर जाद तज तापे। एक होती है मक्खी, एक होती है मधुमक्खी और एक होता है भ्रमर। मक्खी कहीं भी बैठती है, गंगा नहाए गंगादास, जमुना नहाए जमुनादास, मिठाई मिली मिठाई पर बैठ गए, गोबर मिला गोबर में बैठ गए। कोई बुद्धि नहीं है, कोई विवेक नहीं है। श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं सबन को पकड़े सबन को छाड़े, कह तो सबन को ही पकड़ ले और कह सबन को ही छाड़ दे। और एक मधुमक्खी होती है जो किसी भी पुष्प से पराग ले लेती है, और एक भ्रमर होता है जो कमल पुष्प के मकरंद का ही पान करता है, जिसमें सामर्थ होती है कि लकड़ी में छेद कर दे, लेकिन कमल पुष्प से उसका ऐसा प्रेम होता है कि कमल की कोमल पंखुड़ी में कैद होकर बंद कर प्राण दे देता है, लेकिन कमल की वो कोमल पंखुड़ी उससे नहीं काटी जाती। एक ऐसा मधुकर का प्रेम होता है। तो बिना मधुकर की वृत्ति हुए इन चरणों के रस का आस्वादन नहीं होता। ठीक है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और मैंने पहले भी कहा कि मैं कोई तारतम्य नहीं बैठा रहा हूं, किसी को छोटा बड़ा नहीं कह रहा हूं। जो जहां जैसो भाव धर बजे तिनको तहां पूर्ण सुख देते हैं श्री ठाकुर जी। और वैसे भी बाप कहने सुनने की बात नहीं है, इन चरणों की एकांतिक रति, इन चरणों का सहज स्नेह, ये तो किसी का कृपा प्रसाद है। कोई सौभाग्यशाली होता है, कोई विरला होता है। अरे आज तो स्थिति बड़ी विचित्र हो गई, जब श्री ध्रुवदास जी ने 42 लीला गाई तब तो वृंदावन रसिकों का मीना बाजार होता था, एक से एक उद्भट रसिक यहाँ रसपान करते थे। तब ध्रुवदास जी ने कहा श्री हरि वंश जो कयो रस बिरलो समझन हार, एक दोई संसार। अभी आज तो क्या है, जो ये पंक्ति पढ़ता है ना वो सोचता है कि एक है दो ध्रुवदास जी कह रहे, एक तो मैं ही हूं पढ़ने वाला और दूसरा कहीं कोई होगा, उसको खोजने की आवश्यकता क्या है। तो एक तो अपन ही है और दूसरा कोई होगा,
कभी जब चिंतन होता है इस बात का तो मन में आता है कब ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि एक है दो ही पाई है खोजत सब संसार। क्या नाभा जी को दर्शन होता है हिज्जी महाराज के स्वरूप का कि उनको कहना पड़ता है हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत कोई जानी, व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचानी। प्रिया और लाल की एकांतिक रति के समय, प्रिया और लाल की एकांतिक क्रीड़ा के समय श्री नाभाजी महाराज ने केवल हरिवंश महाप्रभु को विराजमान किया है। कुंज केली दंपति तहां की करत खवासी, कहां की सेवा कर रहे हैं? ठाकुर जी के गोष्ठ वृंदावन की नहीं, यशोदा मैया के आंगन की नहीं, कहां जहां दंपति की क्रीड़ा